हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द लिटिल हावर्स। इस मूवी की कहानी में हम तीन नंस को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये लोग उस लड़के के साथ रोमांस करने के लिए क्या क्या करते हैं, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो कि एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च में उसकी मुलाकात एक दूसरी नन से होती है और इस नन का नाम सिस्टर जनवरा है। वो फर्नांडा से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नांडा कहती है, मैं इस गधे को पकड़ने गई थी क्योंकि ये गधा चर्च से छूटकर भाग गया था। जनवरा उससे पूछती है, हर रोज ये गधा कैसे भाग जाता है? ये दोनों एक दूसरे से बात कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ से एक माली गुजर रहा होता है और वो माली इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में ये दोनों उसे बुरा भला कहने लगती है और उसे गालियाँ देने लगती है। इसके बाद जनवरा हेड सिस्टर के पास जाती है और उसे उस गधे के बारे में बताती है। वो कहती है, इस गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। यहीं पे हम एक दूसरी सिस्टर को देखते हैं और इस नन का नाम सिस्टर अलेक्जेंड्रा है जो कि अपने रूम में बैठी होती है। सिस्टर अलेक्जेंड्रा अब चर्च में नहीं रहना चाहती है और वो अब अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और बाहर जाकर अपनी लाइफ को जीना चाहती है। दूसरे दिन सिस्टर अलेक्जेंड्रा के फादर उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उसे बताते हैं उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं। इस पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा कहती है, अगर वो चर्च में पैसे देना बंद कर दे तब दहेज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद सुनकर उसके फादर इस बात को मानने से मना कर देते हैं। अगले दिन हम तीनों नंस को एक साथ देखते हैं और ये तीनों अपने बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ फिर से वही माली आ जाता है जिसने इन लोगों को सुबह में गुड मॉर्निंग कहा था। वो माली इन लोगों को गंदी नजरों से देखता है। ऐसा करते हुए तीनों नंस उसे देख लेती हैं और ये तीनों मिलकर उस माली को खूब गालियाँ देती हैं और इसके बाद उसकी पिटाई भी कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर हम फादर तोमासो को देखते हैं जो कि सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को बाजार में लेकर जाने वाला था और वो बाजार की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात उसी माली से होती है। वो माली फादर से कहता है अब वो चर्च में काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उन तीनों नंस ने उसे बहुत पीटा है और उसे बहुत सारी गालियां भी दी हैं। फादर तोमासो उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और वो कहते हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इस चर्च को छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो माली फादर की बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम इस मूवी में लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो अपनी बीवी से काफी सारी बातें कर रहा होता है लेकिन उसकी बीवी का ध्यान अपने नौकर पर था और वो नौकर भी अपने मालकिन को देखे जा रहा था। इसके बाद हम रात में इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त फ्रांसिस्का अपने नौकर से ये बात कहती है, उसके हस्बैंड से कुछ भी नहीं हो पाता है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कमरे में लॉर्ड ब्रूनो अंदर आता है। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस बात का फायदा उठाकर वो नौकर वहां से भागने लगता है। लेकिन लॉर्ड ब्रूनो उस आदमी का पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर तक आ जाता है जहां वो नौकर सोने का बहाना करता है। इसके बाद लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है जिससे कि उसे ये बात पता चल जाता कि कौन सा नौकर अभी दौड़कर यहां आया है। मेसेडो की दिल की धड़कन काफी तेज थी लेकिन वहां काफी अंधेरा था जिसके वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता है। इसीलिए वो उस नौकर का पोनीटेल काट देता है और वो सोचता है सुबह होते ही उसे ये बात पता चल जाएगा कि ये आदमी कौन है। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मेसेडो उठता है और वो अपने सारे साथियों की पोनीटेल काट देता है। सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उस नौकर को पहचानने के लिए आता है और वो इस तरह से मेसेडो को नहीं पहचान पाता है। अगली सुबह फिर से फ्रांसिस्का मेसेडो के पास आती है और वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहती थी। फ्रांसिस्का उसके साथ खुले में ही जबरदस्ती करने लगती है। फ्रांसिस्का और मेसेडो को ऐसा करते हुए लॉर्ड ब्रूनो देख लेता है और वो अपने सैनिकों को ये ऑर्डर देता है, वो मेसेडो को पकड़कर यहाँ लाए। इसके बाद मेसेडो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। जंगल में भागते हुए मेसेडो फादर को देखता है जो कि अभी नशे के हालत में होते हैं और उनकी गाड़ी नदी में पलट चुकी थी और उसके सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। मेसेडो ये सब देखकर फादर की मदद करता है। फादर ये सब देखकर मेसेडो से बहुत खुश होते हैं और उसे अपने साथ चर्च में आने के लिए कहते हैं। जाते हुए फादर मेसेडो से ये कहते हैं, तुम वहाँ पहुंचकर गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हें बहुत मारेंगी। अगले दिन ये दोनों चर्च पहुँचते हैं। वहाँ पहुंचकर फादर मेसेडो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है। सिस्टर मारिया पहले तो मेसेडो को वहाँ रखने से मना करती है लेकिन फादर के कहने पर बाद में वो उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मेसेडो अपना माली का काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और वो मेसेडो को हथियार दिखाकर उसे पूछताछ करने लगती है। अभी इन नंस को मेसेडो के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आती है और वो इन लोगों को बताती है, ये हमारा नया माली है और इसका नाम मेसेडो है और ये गूंगा और बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने के लिए आती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाते हैं और इसके बाद ये लोग मिलकर शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद सिस्टर जनवरा भी वहां आती है और इन लोगों को ज्वाइन करती है।
शराब पीते हुए ये लोग आपस में एडल्ट बातें करना शुरू कर देते हैं, जहां मार्था उन्हें इंटीमेट होने के बारे में काफी कुछ बताती है। मार्था की बातों को सुनकर ये लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग पूरे नशे में आ चुके थे। इसके बाद जेनवरा और फर्नांडा एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह हम मेसेडो को देखते हैं जो कि जमीन की खुदाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती है। कुछ देर मेसेडो के साथ वो बातें करती हैं और बात करते हुए उसे काफी अच्छा लगता है और धीरे धीरे वो मेसेडो को सेड्यूस करने लगती है और वो उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जेनवरा और फर्नांडा कपड़ों को धो रही होती हैं। तभी अलेक्जेंड्रा वहाँ पर आती है। ये तीनों आपस में बीते हुए रात के बारे में बातें कर रही होती हैं। ये लोग कहते हैं रात में काफी ज्यादा मजा आया था। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से ये पूछती है, तुम्हारे कपड़े इतने ज्यादा गंदे कैसे हैं? अलेक्जेंड्रा कहती है वो मेसेडो के गड्ढे खोदने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनवरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है, क्योंकि पहले अलेक्जेंड्रा कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन जेनवरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। इसके बाद वो छुपते हुए इन लोगों का पीछा करने लगती है। कुछ देर के बाद वो देखती है ये लोग जंगल में बेलाडोना बना रही होती है। बेलाडोना पत्तों से बनाया जाता था और वो एक ऐसा लिक्विड था जिसे यूज करके मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता था। मार्था फर्नांडा के आंख में बेलाडोना की दो बूंदे डाल देती है और उसके उंगली में एक कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब होते हुए जेनवरा देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्था दोनों मेसेडो के कमरे में जाती है। ये दोनों मेसेडो को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे मेसेडो भी इन लोगों के जाल में फंस जाता है। इसके बाद ये तीनों इंटीमेट होते हैं। अपने काम को खत्म करने के बाद ये दोनों मेसेडो के कमरे से चली जाती हैं। अगले सुबह हम बिशप को देखते हैं जो कि इस चर्च में कुछ दिनों के लिए आए हैं। फादर तोमासो और सिस्टर मारिया उन्हें चर्च में घुमाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेसेडो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और मेसेडो उसके साथ भी इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इन दोनों का काम चल ही रहा होता है, उसी वक्त वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है। जब ये दोनों उस बूढ़ी नन को देखते हैं तब ये लोग घबरा जाते हैं। अलेक्जेंड्रा अपने कपड़े ठीक करके उस बूढ़ी नन की मदद करने लगती है। वहीं मेसेडो एक बेड के नीचे छुप जाता है। वो बूढ़ी नन बहरी होती है, इसलिए वो इन दोनों की हरकतों को नहीं जान पाती है। मेसेडो बेड के नीचे से निकलकर खिड़की से भागने की सोचता है, लेकिन तभी उस कमरे में बिशप और सिस्टर मारिया आ जाते हैं। मेसेडो ये देखकर फिर से पलंग के नीचे छुप जाता है। इन लोगों के जाने के बाद वो वहां से निकलता है। वहीं दूसरी ओर हम जेनवरा को देखते हैं। अब वो भी बेलाडोना बनाने लगती है, लेकिन वो उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी लेती है, जिसके वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद वो अपने हाथ पर एक कट लगाती है और उससे निकले हुए खून को अपने गाल पर लगा लेती है। इधर अलेक्जेंड्रा मेसेडो के कमरे में जाती है और वो उसे पूछती है उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा और बहरा है। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी वहां पर जेनवरा आ जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भागकर एक कोने में छुप जाती है। जेनवरा के दिमाग में बेलाडोना का नशा छाया हुआ था, जिस वजह से वो मेसेडो के पास जाते ही उससे रोमांस करने लगती है। लेकिन तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है, जहां उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर वहां चौंक जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद उस कमरे में फर्नांडा आती है और वो चाकू दिखाकर मेसेडो को किडनैप कर लेती है और उसे जंगल में ले जाने लगती है। अलेक्जेंड्रा और जेनवरा दोनों उसका पीछा करती हैं। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तब ये लोग कुछ अलग ही चीज देखते हैं। ये लोग देखते हैं जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और उस आग के चारों ओर चुड़ैलें नाच रही हैं। वहीं पास में मेसेडो भी पड़ा हुआ है, जिसे इन लोगों ने रस्सी में बांध दिया है। ये सब देखकर ये दोनों समझ जाती हैं कि फर्नांडा और मार्था मेसेडो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्था मेसेडो को मारने वाली होती है। तभी वहां पर जेनवरा पहुंच जाती है और वो सभी चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्था जेनवरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेनवरा एक डंडे से मार्था पर वार करती है, जिससे मार्था बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाती है और वो मेसेडो को फर्नांडो से बचाती है। उसी वक्त मेसेडो भी इन लोगों को अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है वो गूंगा और बहरा नहीं है। चुड़ैलों को मारते हुए जेनवरा खून में लथपथ हो चुकी थी। इसके बाद वो चर्च की तरफ भागने लगती है। वो चर्च पहुंचकर चिल्लाने लगती है और सभी लोगों को एक जगह जमा करती है। जेनवरा की शोर सुनकर बिशप भी वहां आ जाते हैं। वो बिशप से कहती है फर्नांडा एक डायन है। तभी वहां पर फर्नांडा अलेक्जेंड्रा और मेसेडो भी आ जाते हैं। ये सब देखकर बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन उसी वक्त सिस्टर मारिया के कमरे से फादर तोमासो बाहर निकलता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। अगली सुबह हम बिशप को देखते हैं जो कि सभी लोगों को सजा सुना रहा होता है। वो फादर तोमासो को एक दूसरे चर्च में भेज देता है जहाँ सिर्फ मर्द रहते थे। मेसेडो को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जहाँ लॉर्ड ब्रूनो उसे जेल में बंद कर देता है। इसके बाद हम इन तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से माफी मांगती हैं। अब इन तीनों को मेसेडो की बहुत चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हम मेसेडो को देखते हैं जो कि जेल में अपनी सजा को काट रहा होता है। तभी वहां पर लॉर्ड ब्रूनो आता है। लॉर्ड ब्रूनो कहता है उसने अपनी बीवी को कुत्तों और सुअरों के साथ बांध दिया है। वो ये भी कहता है
जब तक उसका मन करेगा वो अपनी बीवी को जिंदा रखेगा। और वो मेसेडो से ये भी कहता है कि वो उसे किस तरह से टॉर्चर करने वाला है। कुछ देर बाद उस जेल में एक कछुआ आता है जिसके पीठ पर एक मोमबत्ती लगी हुई होती है। उस कछुए को उन तीनों सिस्टर्स ने वहां भेजा था ताकि सैनिकों का ध्यान उस कछुए में लग जाए और ये तीनों मेसेडो को आजाद कर सके। जैसे ही जेल के सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं, सिस्टर्स वहां आकर मेसेडो को नन वाले कपड़े पहना देते हैं और उसे अपने साथ वहां से लेकर निकल जाते हैं। जेनवरा मेसेडो की जगह एक पुतला रख देती है जिसकी वजह से सैनिकों को ऐसा लगता है कि वो पुतला मेसेडो है। इसके बाद ये चारों खुशी खुशी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। ये चारों आपस में बहुत खुश होते हैं। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर तोमासो से होती है। ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उस आवाज को सुनकर ये दोनों छुप जाते हैं। ये लोग देखते हैं ये चारों कोई और नहीं बल्कि तीनों सिस्टर्स और मेसेडो हैं। उन चारों के यहाँ से चले जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।